वेलकम टू अवर चैनल। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम फायर एंड आइस करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसकी एक पोएम करवा चुकी हूँ जो कि डस्ट ऑफ स्नो थी। छोटी सी पोएम थी, सिंपल सी पोएम थी, वो भी ये भी उसी की तरह एक सिंपल सी पोएम है। इसको हम करते हैं और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो पोएट्री जिस हिसाब से मैं करवाऊंगी आपको डिफिकल्ट ना लगे और आपका एक एक डाउट क्लियर हो, एक लाइन के बारे में भी आपको डाउट ना रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो पोएम है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि कब पब्लिश हुई। 1920 में पब्लिश हुई थी। फिर उसके बाद उनकी एक बुक आई थी न्यू हैम्पशायर, वो बुक पब्लिश हुई 1923 में, 1923 में। तो ये जो पोएम है रिपब्लिश्ड हुई थी 1923 में। तो ये तो मैंने आपको पब्लिकेशंस की बात बताई, अब हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। ये जो पोएम है एक स्ट्रॉन्ग सिंबोलिक पोएम है। सबसे पहली बात जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सिंबोलिक पोएम। कैसे, इसमें दो सिंबल्स को यूज किया है पोएट ने, सबसे पहले फायर और दूसरा आइस। फायर और आइस, और इन दोनों सिंबल्स को किससे कंपेयर कर दिया, ह्यूमन इमोशंस के साथ कंपेयर कर दिया। फायर किसका सिंबल है, डिजायर का, इच्छा का। आइस किसका सिंबल है, हेट्रेड का, नफरत का। तो ये चीज समझिए सबसे पहले कि ये पोएम है किसके बारे में, ये सॉरी ये है क्या, ये एक स्ट्रॉन्ग सिंबोलिक पोएम है जिसके अंदर पोएट ने दो सिंबल्स यूज किए हैं, दो प्रतीकात्मक चिन्ह यूज किए हैं, वो क्या है, फायर एंड आइस। यहीं से दो क्वेश्चन निकल जाते हैं कि इसमें कौन कौन से सिंबल यूज किए हैं, फायर और आइस। उसे किसके साथ कंपेयर किया है, ह्यूमन इमोशंस के साथ कंपेयर किया है, मानवीय भावनाओं के साथ कंपेयर किया है। वो किस, ये फायर किसका सिंबल है, फायर डिजायर का सिंबल है, इच्छा का सिंबल है। और अगर हम बात करें आइस की, आइस किसका सिंबल है, हेट्रेड का, नफरत का सिंबल है। तो आपको इसका जो टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए। फायर किसका सिंबल बताया मैंने, डिजायर का। डिजायर क्या होती है, इच्छा। आइस किसका है, हेट्रेड का। हेट्रेड किसे कहते हैं, नफरत को। ठीक है, इसका टाइटल क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट था ये कि स्ट्रॉन्ग सिंबोलिक पॉइंट है। दूसरी बात, इसमें ये दांतेस इन्फर्नो से इंस्पायर्ड है। दांतेस इन्फर्नो से इंस्पायर्ड है। दांते कौन है, एक स्कॉलर है, विद्वान है, और उनका जो वर्क है इन्फर्नो, यानी कि दांते एक बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने एक वर्क है, उनकी उनकी एक कृति है इन्फर्नो, उससे प्रभावित है, इंस्पायर्ड है। इन्फर्नो के अंदर 9 टाइप्स ऑफ हेल्स को एक्सप्लेन किया गया है, 9 प्रकार के नरक बताए गए हैं। अगर हम इस पोएम को देखें तो इसमें भी 9 लाइंस हैं। तो यही वजह है, ये माना जाता है कि ये 9 लाइंस और इधर 9 प्रकार के जो नरक है, तो इन दोनों के बीच में इसी समानता को देखते हुए ये कहा गया है कि ये जो है दांतेस इन्फर्नो से इंस्पायर्ड है, प्रभावित है, प्रेरित है, सॉरी। उसके बाद अगला फैक्ट क्या है, ये भी माना जाता है कि उनकी जो पोएम है एक डिबेट के ऊपर आधारित है। डिबेट, एक उनके मित्र थे हार्लो शैपली, एक दफा उनकी डिबेट हुई हार्लो शैपली के साथ, ये दुनिया किस तरह से तबाह होगी, किस तरह से खत्म होगी। तो उन्होंने
जो उनका जो तर्क था जो दिया, उन्होंने यही कहा कि ये जो दुनिया है या तो फायर से खत्म होगी या फिर आइस से खत्म होगी। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पोएम है ये एक डिबेट के ऊपर आधारित है। तो ये हमने इसके बारे में इम्पोर्टेंट थिंग्स जानी। आगे बढ़ते हैं। इस पोएम को अगर देखें तो इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। पहले इसको हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो इसमें भी अगर मीनिंग की बात करें, एक तो लिटरल मीनिंग है, दूसरा है डीपर मीनिंग, जिसे हम मेटाफोरिकल मीनिंग भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर बच्चा मैच्योर हो जाता है, लेवल मैच्योर होता है। तो इस लेवल पे आपको लिटरल मीनिंग ही नहीं, आपको डीपर मीनिंग भी साथ ही करना होता है। तो सबसे पहले हम लिटरल मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम डीपर मीनिंग की ओर चलते हैं। लेट मी रीड इट आउट। सम से द वर्ल्ड will end in fire, some say in ice, for what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग से तबाह होगी, कुछ कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ से तबाह होगी। मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है इच्छा के बारे में, डिजायर के बारे में, ये दुनिया मैं उनके फेवर में हूँ जो कहते हैं कि ये दुनिया आग से तबाह होगी, आग से खत्म होगी। ये रही पहली चार लाइंस। अब अगली चार लाइंस में चलते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसे दो बार खत्म होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो मैं सोचता हूँ कि नफरत ही काफी है, और अगर to say that for destruction ice is also great and would suffice. विनाश की बात करें तो विनाश के लिए बर्फ पर्याप्त रहेगी। अगर दूसरी बार खत्म होना पड़े तो दूसरी, कहना क्या चाहता है कवि कि अगर दूसरी बार से खत्म होना पड़े तो दूसरी बार ये दुनिया बर्फ से, नफरत से तबाह होगी। तो ये इसका लिटरल मीनिंग था। डीपर मीनिंग की ओर चलते हैं। डीपर मीनिंग में आपको समझाती हूँ। फायर को मैंने जैसे आपको बताया कि किससे कंपेयर किया गया, डिजायर से। हेट सॉरी आइस को किससे कंपेयर किया गया, हेट्रेड से, डिजायर इच्छा, हेट्रेड नफरत। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट फायर मींस डिजायर, जो ह्यूमन इमोशंस है हमारी। तो इसमें एक डिजायर जो है, फायर को डिजायर से कंपेयर किया है पोएट ने। तो डिजायर के बारे में अगर बात करें कि कभी कहता है कि हम ये दुनिया फायर से तबाह होगी, तो अगर डिजायर की बात करें, फायर को डिजायर से कंपेयर करता है कभी, अगर डिजायर की बात करते हैं तो डिजायर इच्छाएं अगर नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे तो ठीक है। अगर इच्छाएं हद से ज्यादा बन जाए, हद से ज्यादा हो जाए, हमारी ऐसी इच्छाएं जिन्हें हम पूरा भी नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो पूरा हो, या उन्हें हम फुलफिल करें अपनी डिजायर्स को, चाहे लीगली चाहे इलीगली जैसे भी हो, हमने अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना है, पूरा करना है। तो अगर ये हम इस तरह की हम अपनी नेचर बना लेते हैं, अपनी आदतें ऐसे बना लेते हैं, तो ये भी हमारे अंत का, हमारे पतन का कारण बनती है। आग से क्यों इसको कंपेयर किया है कि जैसे आग हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, खाना बनाते हैं, विंटर में हमारे काम आती है, ठीक है, वेस्ट को जलाने के काम आती है, लेकिन यही आग अगर घरों में लग जाए तो घर खत्म हो जाता है, तबाह हो जाते हैं। तो ये आग हमारे, हमारा जीवन भी ले सकती है, यानी कि ये एक जीवन को खत्म करने का कारण भी बन जाती है। दूसरी बात, हेट्रेड आइस, आइस को किससे कंपेयर किया है, हेट्रेड उसके साथ, यानी नफरत। इंसान जो है अपने दिलों में इतनी नफरत पाल के बैठा है कि आजकल रिश्ते नातों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, कि इतनी नफरत है। अगर किसी रोड पे एक्सीडेंट है, देखते भी हैं, देखते हुए भी लोगों के अंदर इमोशंस नहीं है, पैशंस नहीं है, बिल्कुल कोल्ड है,
कोल्ड ब्लडेड हो चुके हैं, उनको यही नहीं, मतलब उनके अंदर ये भावनाएं ही नहीं है कि वो मर जाएगा या उसको मुझे हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, ऐसा कुछ भी उसने इस बारे में नहीं सोचा। यानी कि आइस में इंसान बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, बर्फ पड़ गए हैं, पत्थर बन चुके हैं। तो अगर इस तरह से हमारी भावनाएं मरती रही तो ये भी हमारी तबाही का कारण बनेगी, इस तरह से भी हम पतन की ओर अग्रसर होंगे और ऐसे भी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये इसका डीपर मीनिंग था। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ लिटरेरी फिगर्स की। लिटरेरी फिगर से पहले मैं आपको डिफिकल्ट मीनिंग बता देती हूँ, डिफिकल्ट वर्ड्स जो इस पोएम के अंदर हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट फोर लाइंस को देखें, इसमें क्या है, फायर। फायर क्या होता है, आग। आइस बर्फ, टेस्टेड टेस्ट करना किसी चीज को, डिजायर इच्छा। होल्ड पकड़ना, विद दोस हु फेवर फायर, जो फायर मतलब फेवर मीन्स किसी चीज की फेवर करना। नेक्स्ट फोर लाइंस देखें, पैरिश। पैरिश मीन्स क्या होता है, डाई मरना। ट्वाइस, ट्वाइस क्या होता है, दो बार। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन क्या होता है, विनाश। सफाइस, सफाइस होता है पर्याप्त, किस चीज का पर्याप्त होना। और इसमें एक वर्ड और है, इनफ। इनफ का मतलब भी पर्याप्त होता है। तो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स से कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, वो आप देख सकते हैं। पैरिश होता है टू डाई मरना, और ट्वाइस होता है दो बार, डिस्ट्रक्शन होता है विनाश, सफाइस होता है पर्याप्त, इनफ भी पर्याप्त होता है। तो डिजायर मीन्स इच्छा, फायर मीन्स आग, हेट आइस मीन्स बर्फ, और हेट मीन्स नफरत। तो ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे। अब हम बात करते हैं कुछ लिटरेरी फिगर्स की, इसमें नया है और ये मैं आपको हर पोएम के साथ कराऊंगी क्योंकि ये नई है और लेवल आपका मेच्योर है, इस वजह से मैं आपको ये चीज करवा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट पोएम में भी बताया था कि इसमें राइम स्कीम है। राइम स्कीम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, फिर से बताती हूँ कि राइम स्कीम होती है तुकबंदी, वो हमने देखना है। चलो देखते हैं, फायर ए डिजायर ए फायर ए, उसके बाद आता है आइस बी ट्वाइस बी आइस बी सफाइस बी, फिर आता है हेट सी ग्रेट सी, सॉरी। तो राइम स्कीम सबसे पहली जो है हमारी, राइम स्कीम हमने इसमें देखनी है क्या बनी, ए बी ए ए बी ए, फिर ए बी सी, फिर बी सी बी, ये हमारी राइम स्कीम है। फर्स्ट क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। एक नई चीज है इसमें, एराफोना। एराफोना क्या होता है, जब कुछ शब्द एक लाइन के बाद अगले में रिपीट होते हैं, फिर आगे भी रिपीट हो सकते हैं। तो अगर लेटर की बात नहीं कर रही हूँ, शब्दों की बात कर रही हूँ, कुछ वर्ड्स शब्द रिपीट होते हैं, तो इस ये जो प्रक्रिया है, शब्दों के रिपीट होने की प्रक्रिया, अगली लाइन में भी वही शब्द आ रहे हैं, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, एराफोना। जैसे सम से, सम से, तो इसमें दो जगह आएगी, सम से, सम से, तो ये जो रेपिटेशन है तो इसको हम एराफोना कहेंगे। हमने राइम स्कीम देखी, हमने एराफोना देखा, तो दो चीजें क्लियर हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एंजैम्बमेंट। थर्ड चीज क्या है, एंजैम्बमेंट।
देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, सुनने में डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इजी चीजें हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर आप मेरी पोएट्री की वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए चीजें कॉमन हो जाएंगी और कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और नंबर लेना, स्कोर करना बहुत इजी है। तो एंजॉयमेंट क्या होता है, जब दो तीन लाइनें क्रॉस हो जाएं और अभी तक फुल स्टॉप के हम वेट कर रहे हैं, फुल स्टॉप नहीं आया, ये जो प्रक्रिया है, पहले में भी फुल स्टॉप नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं, फुल स्टॉप जाके यहाँ आया, या पहले में नहीं है, दूसरे में, तीसरे में फुल स्टॉप है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एंजॉयमेंट। दोनों स्टैंजेस में अगर हम देखें तो दोनों में यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ फुल स्टॉप है, तो दोनों ही स्टैंजेस में एंजॉयमेंट का यूज हुआ है। थर्ड लिटरेरी फिगर क्लियर है। नेक्स्ट आता है एसोनेंस। एसोनेंस, एसोनेंस क्या होता है, जब लाइंस के अंदर वोवल रिपीट हो रहे हैं, कैसे, ओ, फिर ओ यूज हुआ, फिर आई, फिर आई, फिर आई, ये ए है, ये ए है, ऐसे इधर ओ, सॉरी ओ नहीं है, आई आई है, फिर यहाँ पे ए है, ए है, उसके बाद फिर ई, ई, यहाँ पे ओ है, ओ है, ओ है, ओ है, यहाँ पे है, फिर आई आई ए, इज नॉट, सॉरी ए नहीं है, आई आई हो रहा है यहाँ पे, यहाँ आई हो रहा है, ठीक है। ये इतने सारे वोवल्स रिपीट हो रहे हैं, तो आई 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 और ये ओ है, ओ है, ओ है, ये जो रिपीटेशन है, यहाँ पे आई है, यहाँ आई है, तो इन चीजों को हम क्या बोलेंगे, असोनेंस। इसके बाद हम बात करते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन होता है कि जब लेटर रिपीट हो रहा है शुरू में ही, जैसे साउंड सम से, ऐसे सम से, ऐसे रिपीट हो रहा है, वर्ल्ड विल ऐसे ही, फेवर फायर, बस तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जब रिपीट होते हैं, लेटर्स, ओनली लेटर्स, जैसे एस रिपीट हुआ है, W रिपीट हुआ है, उसके बाद F रिपीट हुआ है, तो ये जो चीजें हैं ये क्या कहलाती हैं, एलिट्रेशन। तो आपके लिए 5 लिटरेरी टर्म्स सफिशिएंट है, इतना कीजिए। और ये थी आपकी पोएम फायर एंड आइस। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आया कहीं से कुछ भी, तो आप फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसकी समरी के साथ। थैंक यू।